नमस्कार, अभिषेक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। फिल्म पद्मावत पर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हो रही है, लेकिन राजपूत समाज फिल्म की रिलीज रोकने के लिए सड़कों पर है। विवाद इतना बढ़ गया कि जगह जगह फिल्म को लेकर कड़ी सेना प्रदर्शन कर रही है और सिनेमा हॉल मालिकों को चेतावनी दी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है, लेकिन सुरक्षा देने में सरकारें भी अपने हाथ खड़े करते दिखाई पड़ रही हैं। इसलिए राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। वहीं दूसरी ओर कड़ी सेना के अध्यक्ष लोकेंद्र कलवी कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं और फिल्म को ना दिखाए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में संजय लीला भंसाली की ओर से करणी सेना को फिल्म देखने का न्योता भी मिला है, लेकिन लोकेंद्र कलवी ने कहा कि वो फिल्म देखेंगे जरूर, लेकिन अपनी शर्तों पर। अब कौन किसकी शर्त मानता है ये तो अभी कोई नहीं जानता। फिलहाल फिल्म को लेकर विवाद बना हुआ है। फिल्म पद्मावत को लेकर शहर शहर विरोध जारी है। कहीं तोड़फोड़ हो रही है तो कहीं पर आगजनी। बवाल इतना बढ़ गया है कि फिल्म को दिखाने में कई सिनेमाघरों ने असमर्थता जारी कर दी है। कड़ी सेना फिल्म को बैन करने की मांग कर रही है। वहीं कई राज्य फिल्म को दिखाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे और फिल्म को लेकर संशय लगातार बरकरार है। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को लेकर पूरे देश में राजपूत विरोध कर रहे हैं और 25 जनवरी को करणी सेना ने पूरे देश में बंद बुलाया है। यानी किसी भी कीमत पर करणी सेना इस फिल्म को रोकना चाहती है, जिसकी वजह से सड़कों पर उतरकर करणी सेना हंगामा भी कर रही है और अब पद्मावत के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इन्हें देखते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की गई है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्म की रिलीज पर लगे प्रतिबंध पर स्टे लगा दिया था। वहीं अब हरियाणा में भी फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सिनेमाघर मालिकों को लिखित में चेतावनी दी और कहा फिल्म दिखाई तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। ज्ञापन देके गए हैं कि हम इस मूवी के रिगार्डिंग अपने बता के गए हैं कि अपने हमारे समाज के प्रति इसमें कुछ धारणाएं दिखाई गई हैं, जिसके लिए ये जगह जगह जाम भी लगा रहे हैं और दंगे फसाद भी कर रहे हैं। मना किया है फिल्म लगाने के लिए उन्होंने मना किया है कि ये फिल्म हमारे यहाँ मतलब किसी भी क्षेत्र में ना चलनी चाहिए। कुरुक्षेत्र में भी पद्मावत का विरोध हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं नकाबपोश लोगों ने किस तरह से कुरुक्षेत्र के इकलौते कैसल मॉल पर हमला बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की। ये लोग लाठी और डंडों से लैस होकर आए, जिससे लोगों में खौफ फैल गया। ये पीछे से आए हैं। अच्छा, पीछे से आए। पीछे से आए कितने लोग हैं? कोई कम से कम 20 और 25 के बीच में। अच्छा, क्या विरोध था? कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं, और किसी से बात ही नहीं हुई। नहीं, आपस में कुछ नारेबाजी? ना, कुछ बात नहीं हुई। बस ऐसे गंडा से लेके आए हैं। अच्छा। और पहले वो शोरूम को तोड़ा है पीपल वालों को, उसके बाद यहाँ फिर अंदर घुसे हैं, इधर इधर मारा है इनके पीपल में, और साथ में एक काउंटर है उसको तोड़ फोड़ किया। नहीं, मारपीट तो मौका ही नहीं मिला, 2 मिनट में कहाँ मारपीट हो गई, फायर फायरिंग हुई है। पर इतना अंदाजा नहीं है कह सकते, बाकी फायरिंग हुई है। गंडा से हाथ में थे, वो गंडा से मारा तोड़ा फोड़ करी है। लोग तो पूरा, आज तो छुट्टी का दिन था, अच्छा करोड़ था, भागा अफरा तफरी हुई है सारी। वहीं जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पूछा गया कि क्या उनकी सरकार मौन रहकर करणी सेना को सपोर्ट कर रही है, तो सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे लिए मान्य है। जनता की अपील पर कोई फिल्म को ना चलाना चाहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर फिर भी कोई सिनेमाघर फिल्म को चलाना चाहता है तो हम उसको पूरी सुरक्षा देंगे। देखिए, मौन रहने का कोई विषय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो होता है वो हमारे लिए मान्य होता है, तो सुप्रीम का जो ऑर्डर है उस नाते से अगर कोई अपील के ऊपर न चलाना चाहेगा तो बहुत अच्छा होगा, अगर कोई चलाने की इच्छा करेगा तो उसको सिक्योरिटी दी जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानना ये हमारा दायित्व है।
पद्मावत के विरोध की तस्वीरें केवल हरियाणा से नहीं आ रही, इस तरह की तस्वीरें पूरे देश से आ रही हैं। नोएडा हो या फिर इंदौर, हर जगह फिल्म को लेकर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। नोएडा में पद्मावत फिल्म के विरोध में सैकड़ों युवकों ने डीएनडी टोल बूथ पर जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ के साथ आगजनी भी की। इस बीच करणी सेना के संरक्षक लोकेंद्र सिंह कलवी ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर फिल्म पद्मावत रिलीज नहीं होने दी जाएगी। देखिए, मैं पूरे देश में जो कुछ भी माहौल बन रहा है, इसी के बारे में मद्देनजर सभी लोगों से अपील कर रहा हूं उस जनता कर्फ्यू में सहयोग करने का, विशेष तौर पर फिल्म हॉल वाले। उन्हें तय करना होगा कि वो खिलजी के साथ है या पद्मावती के, वो देश के साथ है या देश के विखंडन वाली ताकतों के, वो राम के साथ है या रावण के। हमने उसको जवाब दिया है, हम तैयार हैं फिल्म देखने को, कब बता दीजिए, दिखाएंगे किसको, ये हमने तय कर लिया है। जो सेंसर बोर्ड ने 3 को दिखाई और 6 को छोड़ दी, 9 लोगों को फोन किया था, हम उन्हीं 6 को दिखाना चाहते हैं। जिन लोगों को नहीं दिखाई, हम उसके साथ में कुछ पत्रकारों को भी दिखाना चाहेंगे, वो भी अपनी राय दें। फिल्म पद्मावत को लेकर अब विरोध और तेज हो गया है। राजपूत समाज किसी भी कीमत पर इस फिल्म के रिलीज को रोकना चाहता है। हिंसक होते प्रदर्शन और चेतावनी के बीच अगर फिल्म रिलीज होती है तो देखना होगा कि राज्य सरकारें सिनेमा हॉल को सुरक्षा दे पाएंगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएचओ न्यूज। तो रास्ते आखिरकार क्या बचे हैं? राजपूत समाज किसी भी कीमत पर फिल्म को रिलीज होने के लिए राजी नहीं है। और सबसे खास बात यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कि कई सरकारें भी चाहती है कि उनके राज्य में फिल्म रिलीज ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है अगर लोग रिलीज ना करें तो ज्यादा अच्छा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी यह बात कही, लेकिन रिलीज करेंगे तो कहीं ना कहीं सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सुरक्षा देने में नाकाम रहेगी या कामयाबी हासिल करेगी? चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनुज शर्मा जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। दलवीर धनखड़ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एलो के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, धर्मवीर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राकेश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं करणी सेना से, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। और शांतनु चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अखिल भारतीय क्षेत्रीय युवा महासभा से ताल्लुक रखते हैं आप, आपका भी सर इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत। सभी खास मेहमानों से हम खास चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 25 तारीख से पहले क्या कोई समझौता हो सकता है, या फिर एक टकराव जो दिखाई पड़ रहा है कि अगर फिल्म रिलीज की जाती है तो राजपूत समाज सड़कों पर उतरेगा, इस तरह की बातें की जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, आग लगाई जा रही है, क्या कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठता है।